सानिया, कल सुबह तुम मुझे सब समझा देना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। दो दिन का उपवास है मेरा। कृष्णा, तुम आंटी की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें होप बना के सबकी नजरों में रानी बनने का। अब बनो इस घर की नौकरानी। चलो चीनी, तू क्यों मानी खाना बनाने के लिए? तू क्या इस घर की नौकरानी है? जब मैं द्वारका में तेरे लिए और पापा के लिए खाना बनाती थी, तब तो ऐसा कभी नहीं बोला तूने। वो तेरा घर था, क्या इस घर को तू अपना घर मानती है? इस परिवार को अपना परिवार मानती है? आर्यमन सर को अपना पति मानती है तू? मोहन, इस घर ने हमें छत दी है, खाना दिया है, इनका कितना कर्जा है हमारे ऊपर। अगर मैं इनके लिए थोड़ा कुछ भी कर पाई तो कम से कम इनका एहसान तो चुका पाऊंगी ना। मोहन देख कितना टाइम हो रहा है। दीदी सामने घड़ी खुद देख ले, मुझे सोने दे। उठना मोहन, कॉलेज का पहला दिन है, खुद तो देर पहुंचेगा ही, आर्यमन सर को भी देर करवाएगा। कॉलेज? मैं कैसे भूल गया, आज कॉलेज का पहला दिन है। जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर आती हूँ। इस शहर में नई शुरुआत होने वाली है ठाकुर जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप उसका ख्याल रखना। मेरा शरीर एक लड़के जैसा है, पर मेरी रूह है ना, वो एक लड़की की तरह है, और मेरी रूह को आजाद होना है इस घुटन से। हाँ, कॉलेज में नए नए लोगों से मिलेगा, कौन कैसा होगा नहीं पता, पर इस बार तो मैं भी नहीं हूंगी उसके साथ।